गर्भस्थ शिशु को क्या कष्ट होता है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले वह 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है। यह तो सच है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि प्राणी अपने किस कर्म के कारण गर्भ में प्रवेश पाता है और बच्चे को अपनी माँ के उदर में क्या क्या वेदनाएं सहनी पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन और मरण का चक्र तब तक अनवरत चलता रहता है जब तक कि जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि माँ के गर्भ में रहने के दौरान न केवल माँ को बल्कि उदरस्थ शिशु को भी काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता के गर्भ से बाहर आने के बाद जैसे ही शिशु को इस मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होता है, वे अपने पूर्व जन्मों की तमाम बातों को पूर्णतया भूल चुका होता है और माया मुंह के आवरण में बंध जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई जीव अपने माँ के पेट में प्रवेश करता है तो वह अति सूक्ष्म रूप में होता है। कुछ दिनों के बाद बेर के आकार के बराबर हो जाता है और फिर अंडाकार हो जाता है। 1 महीना पूरा होने के बाद भ्रूण के मस्तिष्क का विकास होना शुरू होने लगता है और फिर उसकी भुजा का निर्माण भी होता है। इसी तरह धीरे धीरे 9 महीने में अंगों का विकास होता है। 6 महीने में भ्रूण गर्भ में हलचल करने लगता है और फिर बहुत तेजी से उसका विकास होने लगता है। इस विकास यात्रा में उसके माँ के आहार विहार की अहम भूमिका होती है। इस 9 महीने के गर्भावस्था के दौरान बच्चा गर्भ में मल मूत्र और तरह तरह के सूक्ष्म जीवों के साथ रहता है और उससे उसे काफ़ी परेशानी होती है और वह बेहोशी में भी चला जाता है। उसकी माँ अगर अत्यधिक कसैला तीखा या तेज नमकीन भोजन करती है तो गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक नाजुक त्वचा को बारंबार कष्ट होता है। शिशु का पैर ऊपर और सिर नीचे होता है तो उसके कारण वो ज़्यादा हिलने डुलने में असमर्थ होता है, जिस कारण में भी उसे कष्ट होता है। इस दौरान वह भगवान को याद करता है, परंतु फिर भी जैसे ही इस धरा पर उसका आगमन होता है वह पुनः माया के बंधन में बन जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।